अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ पेपर चिकन, तो चलिए बनाते हैं। पेपर चिकन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर चिकन ली हूँ मैं, आधा किलो चिकन ली हूँ मैं। ज्यादा बड़े पीस नहीं, छोटे छोटे पीसों में ली हूँ। ये ज्यादा बड़े नहीं, छोटे पीस ही इसमें जाते हैं। चिकन लेकर हूँ, नमक, प्याज, दही, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरिया धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, करी पत्ता भी इसमें चाहिए। ये सब चाहिए। ये काली मिर्च में, काली मिर्च के पाउडर में ही बनता है ये। लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, ये कुछ भी इसमें नहीं जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई को रख लेना है। यहाँ पर कढ़ाई को रख ली हूँ, गैस भी ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई को भी रख ली हूँ। अब सबसे पहले इसमें तेल लेना है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मजेदार रहता है। ये चिकन सूखा रहता है, थोड़ी सी ही ग्रेवी रहती है इसमें। यहाँ पर देखिए, मैं आधा कप जितना तेल ली हूँ, बस हमें तेल इतना ही लेना है। यहाँ पर दो प्याज लेकर हूँ मैं, दो मीडियम साइज के प्याज हैं ये। अगर बड़ी हो तो बड़ी भी डाल सकते हैं, मैं दो मीडियम साइज के ली हूँ और बहुत बारीक मैं काट ली हूँ इसे। ये बहुत बारीक काटी हूँ मैं। अभी क्या करना है हमें, इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे प्याज को पकने देना है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गई है, जैसे कि पिंकी पिंक कलर रहता है ना वैसे। बस इतना ही हमें प्याज को पकाना है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, इसे डाल लेना है। मैं आधा किलो चिकन का बनाकर बता रही हूँ, पेपर चिकन। आप चाहे तो एक किलो भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। थोड़ा अदरक लहसुन को भी मैं पकने देती हूँ इसमें। यहाँ पर देखिए, अदरक लहसुन भी अच्छे से पक चुका है। अभी मैं इसमें चिकन डाल लेती हूँ। ये फिर से बता रही हूँ, आधा किलो चिकन का मैं बता रही हूँ आपको। अभी चिकन को भी हमें एक मिनट तक हमें अच्छे से अदरक लहसुन प्याज और तेल में अच्छे से हमें भून लेना है। चिकन को भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमें दूसरे मसाले इसमें मिलाना है, क्योंकि एक मिनट तक हमें अच्छे से इसमें पका लेना है। तेल में प्याज और अदरक लहसुन में हमें पका लेना है। ये बहुत अच्छा बनता है और सूखा रहता है। आप चाहे तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, इसीलिए दही डालना है। ग्रेवी थोड़ी चाहिए तो ग्रेवी दही डाल सकते हैं, ग्रेवी चाहिए तो। ये थोड़ा सूखा ही रहता है, पेपर चिकन थोड़ा सूखा ही रहता है, अलग सा रहता है, बहुत कम मसाले जाते और बहुत टेस्टी रहता है। आप रोटी के साथ, आप दाल चावल के साथ, आप जीरा राइस के साथ इसे आराम से खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन खाने में इतना मज़े का रहता है, बहुत बहुत मज़े का रहता है, खाने में बहुत मज़े का रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे घर में बहुत बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत सिंपल है, डाले थोड़ा थोड़ा डाले, इसे फ्राई कर लिए। ये इतना सिंपल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसे एक बार ट्राई कर देखिए। जिसे नहीं मालूम है पेपर चिकन, वो आराम से इसे बनाकर खा सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है पेपर चिकन के बारे, तो आप बनाकर इसे खा सकते हैं। ये उतना टेस्टी बनता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, पहले लाइक कीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग सा लेकर आ रही हूँ, बनाकर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इजी रहता है, लेकिन खाने में इतना मज़ेदार रहता है। मैं ऐसे कुछ बनाकर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा वीडियो बहुत पसंद आता भी है और बहुत से लोग पसंद करते भी हैं। उन लोगों को, सभी को थैंक यू, जितने भी पसंद करते हैं मेरे वीडियो को, बहुत बहुत थैंक यू उन लोगों को भी। अभी देखिए, मुझे परसों के वीडियो में पूछे थे कि आप कहाँ रहते हो। मैं आरती नगर में रहती हूँ, हमारा घर आरती नगर में रहता है। मैं आरती नगर वाली हूँ, मैं बताई हूँ आपको। देखिए, मैं आरती नगर की हूँ, मैं बताई हूँ आपको। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, तो मैं सभी को बताती हूँ, हम आरती नगर से हैं। अभी इसे और एक मिनट मैं फ्राई होने देती हूँ, फिर इस पर इसमें मसाला डाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। ये ऐसे होना है, थोड़ा सा और एक मिनट इसे भुनाई कर लेती हूँ। यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, ये यही मेन है इस ग्रेवी का, यही मेन है। अभी मैं यहाँ पर
एक और डेढ़ टीस्पून जितना डाली हूँ। आप तीखा देखकर डाल लेना, तीखा आपके ऊपर जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, थोड़ा सा पाव टीस्पून जितना गरम मसाला, एक टीस्पून जितना धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा पाउडर इसमें कम ही जाती है, आधा टीस्पून ली हूँ मैं। थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी थोड़ी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। नमक, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आधा टीस्पून जितना मैं नमक लेकर हूँ। इन मसालों को भी हमें अच्छे से मिला लेना है, मिलाकर हमें और थोड़ा पकाना है, चिकन को और थोड़ा सा पकने देना है, क्योंकि चिकन भी गलना है, मसाला भी अच्छे से लगना है। इसमें मेन काली मिर्ची है, काली मिर्ची का पाउडर ही जाता है। मैं काली मिर्ची मैं रेडीमेड नहीं ली हूँ पाउडर, मैं घर में पीस कर रख लेती हूँ, जब भी मुझे चाहिए मैं घर में पीस कर रख लेती हूँ। अब क्या करना है, हमें ढककर इसे 5 मिनट पकाना है। नमक मसाले सब गए हैं और थोड़े 2 मसाले हैं बाद में हमें डालना है, इसीलिए क्या करना है, अब इसे गलने देना है। चिकन को हमें 1 मिनट ही पकाए हैं, अब ढककर इसे 5 मिनट के लिए हमें गलने देना है। यहाँ पर देखिए ऐसे पकता है, ये गल चुका है अच्छे से, पानी भी छोड़, चिकन पानी भी छोड़ चुका था, पानी भी अच्छे से इसमें, पानी भी अच्छे से सूख चुका है इसमें। अभी हमें दूसरे मसाले इसमें डाल लेना है। यहाँ पर मैं 1 कप भरकर दही रख ली हूँ। आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पूरा डाल सकते हैं, अगर ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत डालना है इसमें। यहाँ पर देखिए मैं इतना रख ली हूँ, 1-2 टीस्पून जितना रख कर मैं डाली हूँ, इसे भी मैं मिला लेती हूँ। ये सूखा ही आता है, सूखा ही बहुत अच्छा रहता है, ग्रेवी से ज्यादा ये सूखा ही बहुत अच्छा रहता है। अगर चाहिए तो आपको ग्रेवी इतनी रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रखना है, बस इतनी रखना है। अभी इसमें मैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च ली हूँ, इसे चीरा लगा ली हूँ, मैं आधा आधा बीच में से कर ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। हरिया धनिया थोड़ा सा, और यहाँ पर करी पत्ता, इसमें करी पत्ता भी जाता है, 10 से 12 करी पत्ता। इस वक्त आप नमक, फिर से काली मिर्च आप देख लेना, इसमें दूसरी मिर्च नहीं डालना है, सिर्फ मैं हरी मिर्ची ही डाली हूँ, दूसरी लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ये नहीं डालना है, सिर्फ काली मिर्ची और 2 से 4 हरी मिर्ची बस, और कुछ भी नहीं। मुझे नमक सब बराबर है, थोड़ी सी मैं काली मिर्च और डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि ये पेपर चिकन है तो पेपर ज्यादा ही जाता है इसमें, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं आप, व्हाइट पेपर भी, इसमें काली मिर्च पाउडर में व्हाइट भी आता है, व्हाइट भी इसे डाल सकते हैं, अगर व्हाइट डालेंगे तो व्हाइट आपकी ग्रेवी सभी व्हाइट ही रहती है। ये मैं ब्लैक घर में पीस कर रख लेती हूँ तो मुझे ब्लैक ही इसमें, लेकिन इस ग्रेवी में ज्यादा ब्लैक ही जाता है, ब्लैक पेपर ही जाता है ज्यादा। मैं और 1 मिनट इसे अच्छे से पका लेती हूँ, क्योंकि दही और दूसरे हरिया धनिया करी पत्ती हरी मिर्ची डाले है ना, इसीलिए मैं और 1 मिनट इसे पकने देती हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है पेपर चिकन, गैस को कर लेती हूँ बंद, आपको निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं प्याज काट कर रख ली हूँ, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पुदीने के पत्ते अच्छा लगता है, ये देखिए ऐसे, देखिए ऐसे मैं थोड़ा सा इसे गार्निश कर रही हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रखकर खाने से भी क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा है, ऐसे लगता है। ऐसे ऐसे ये हो गया है, अभी यहाँ पर देखिए पेपर चिकन भी तैयार हो गया है, अभी आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए ग्रेवी बहुत कम है इसमें, ग्रेवी इसमें बहुत कम है, और सूखा चाहिए तो और सूखा आप ले बना सकते हैं इसे, और सूखा कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखकर बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर हरी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्च आप सूखी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, सूखी बड़ी वाली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हरी मिर्ची ही जाती है। यहाँ पर देख थोड़े से और इस पर पुदीने के करे पक्के पत्ते, करे पत्ता है ये,
थोड़े से। यहाँ देखिए तैयार हो गया है, यहाँ पर देखिए पेपर चिकन तैयार हो गया है। ये सूखा ही रहता है, ज्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रहती, मैं थोड़ी बहुत रखी हूँ ग्रेवी। ग्रेवी चाहिए तो आप दही डाल सकते हैं, ग्रेवी नहीं चाहिए आपको सूखा ही चाहिए तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। दही को रहने देते हैं, नींबू को डाल सकते हैं, दही को मत डालना आप। यहाँ पर देखिए मैं निकाल कर खाकर भी बताती हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे ही सूखा रहता है। यहाँ पर देखिए चिकन भी कितना अच्छा गल चुका है, अच्छे से गल चुका है। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो गए हैं, बहुत कम मसाले गए हैं और ज्यादा टेस्टी बनता है, बहुत झटपट भी बनता है खाने में, तो इतना मजेदार का रहता है ये पेपर चिकन, बहुत अच्छा रहता है। 15 मिनट में चिकन तैयार हो गया है, सिर्फ 15 मिनट ही हुए, 5 मिनट गलने के लिए, 2 से 3 मिनट इसे सूखा करने के लिए, बस तैयार हो गया। इतना टेस्टी रहता है मैं क्या बताऊं, बहुत टेस्टी रहता है। आप इसे एक बार ट्राई कर देखिए, आप लोगों को ये पसंद है। जिसे पेपर चिकन नहीं आता है, बहुत से लोग पसंद करते हैं कैसा बनाना है, तो मैं सिंपल सा बताई हूँ, ये ऐसे ही बनता है, इसे बनाकर खाइए, ये बहुत टेस्ट। बहुत बहुत टेस्टी है, मसाले बराबर से गए हैं, इतना टेस्टी बना है ये पेपर चिकन। शादियों में भी बनता है, शादियों में भी बनता है ये, बहुत सी जगह मैं शादियों में भी देखी, ये मेरे घर में बनता है, मुझे पता नहीं था शादियों में बनता है। एक बार मैं शादी को गई थी, तब ये चिकन ला करके, ये चिकन कैसा है, तब मैं देखने से ये पेपर चिकन है, ये ऐसे भी बनाते हैं, ये पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ मजे से खा सकते हैं। ये सूखा ही रहता है, ज्यादा ग्रेवी नहीं रहती इसमें। बहुत बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये देखिए आज मैं पेपर चिकन बनाकर बताई हूँ, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह इतनी अच्छी बनती है मैं क्या बताऊं। आप चिकन में हर रकम का बनाकर खा सकते हैं, इसमें रेड चिल्ली नहीं जाता है, चिली फ्लेक्स नहीं, सिर्फ काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पाउडर ही जाता है, 2-3 हरी मिर्ची बस। दही आप डालना चाहते हो तो, थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो दही डाल सकते हैं, वरना दही दही को हटाकर आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू डालकर इसे सूखा बनाकर भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है। जिसे ये पसंद है ये पेपर चिकन बनाकर खाना, कैसे बनाना, वो लोग मेरा वीडियो देखकर बनाकर खाइए, बहुत इजी है, 15 मिनट में तैयार होता है, बहुत सिंपल है, देखने में मजेदार की है रेसिपी, बहुत अच्छा रहता है चिकन, इसे बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, कल फिर मैं मिलूंगी नए रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।